प्रति जो संघर्ष है वो काम आया है। तो नमस्कार बिनीवाल जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम आपका, आज हमारे स्टूडियो में आए, आपको बहुत बहुत स्वागत है। काफी समय से एक बात कर इनके परिणाम अभी इन 7 भर्तियों में से भी तैयार हुए नहीं है, लेकिन ज्यादातर के परिणाम तो हालांकि जैसे ही आचार संहिता खत्म होगी 4 तारीख को रिजल्ट आएगा, उसके बाद से ये मान लीजिए बाकी है। बिल्कुल 10 दिन बाकी है, तो ऑटोमेटिक वैसे ही अब परिणाम आने थे एक एक करके, लेकिन जो है ठीक है, प्रयास कर रहे थे कि और थोड़ा जल्दी हो जाए, क्योंकि एक जो यूथ है जो बेरोजगार हैं, सारे साथी लोग, वो बेचारे काफी समय से वेट कर रहे थे, काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि कैसे भी करके उनके जो है परिणाम घोषित हो। अब जैसे मेरा मान लो मैंने एग्जाम दिया और मेरा सिलेक्शन होने के मुझे चांसेस दिखाई दे रहे हैं, तो मैं आतुर रहूंगा कि कैसे भी जल्दी से जल्दी परिणाम घोषित हो और मुझे रोजगार की व्यवस्था हो सके और मैं आगे चल के अपने जीवन में कुछ अच्छा फ्यूचर बना सकूं, क्योंकि काफी लंबा समय हो गया था भरत जी। देखिए क्योंकि विधानसभा चुनाव एक तरफ, एक तरफ लोकसभा चुनाव, आचार संहिता, तो जो छात्र थे जिन्होंने कहने का मतलब है परीक्षा दी थी, ये इंतजार नहीं, ये काफी लंबा इंतजार हम कह सकते हो गया था। दर्शकों को हम बता दें कि इन परीक्षाओं के परिणाम जारी होने वाले जो हम आपको बताने वाले हैं, जो लंबे समय से रुके हुए थे, जिसमें से भर्ती का नाम हम आपको बताने जा रहे हैं और साथ ही बताएंगे पद जो है। सूचना सहायक के 2730 पद थे, ANM के 2058 पद थे, GNM के 1588 पद थे, कृषि पर्यवेक्षक के 430 पद थे, कनिष्ठ लेखाकार और तहसील राजस्व के 5388 पद थे, संगणक के जो हम बात करें 583 पद थे, और वहीं CHO के 4494 पद थे। भरत जी, अब हम बात करें, चुनाव में छात्रों की मांग थी कि बीजेपी सरकार के आते ही इन पेंडिंग परीक्षाओं का जो रिजल्ट है वो जल्दी से जल्दी घोषित किया जाए। देखिए पहले भर्ती निकलवाने के लिए संघर्ष, अब रिजल्ट निकलवाने के लिए जो जिद्दोजहद, जो सरकार की तरफ से, अब उनकी भूमिका कैसी देखी जा रही है सरकार की, काफी लंबा समय रहा है क्योंकि। जी देखिए मैम, अभी नई सरकार बनी है और विधानसभा चुनाव हुए अभी केवल 6 महीने हुए और सरकार को भी लगभग ज्यादा समय नहीं हुआ, 4-5 महीने, ढंग से अगर देखा जाए तो 3 से 3.5 महीने ही सरकार चला पाई, क्योंकि बीच में अब आचार संहिता लगी गई थी तो भर्तियों से जुड़े हुए मामले ज्यादा सॉल्व उस दौरान हो नहीं पाए। और जो बेरोजगारों के लिए सरकारी जो वैकेंसीज थी, जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के लिए रिक्त पद थे, उनपे जो है रिक्त पदों की सूचनाएं भी इन्होंने मांगी और जो प्रक्रियाएं थी उनको इन्होंने भी फास्ट करने का प्रयास किया। अब आने वाले भविष्य में जो अब शुरुआत होगी एक तरीके से सरकार की, कि भाई अब आगे कैसे काम करती है सरकार, इससे पहले तो सरकार अच्छे से काम करनी थी, क्योंकि इसलिए करनी थी क्योंकि देखा जाए तो जो विधानसभा चुनाव के लिए तो पहले कांग्रेस सरकार प्रयास कर रही थी अंत में कि खूब अच्छे अच्छे से कोशिश करना, हालांकि उनके तो पेपर लीक ने उन्हें पूरी तरह से डुबो दिया बिल्कुल, लेकिन जो अगली ये सरकार थी इसने भी काफी अच्छे से जो है पेपर लीक माफियाओं पे शिकंजा भी कसा, खूब लोगों को जेल में भी डाला, खूब अच्छे से कार्रवाइयां भी की और नई भर्तियों के लिए विज्ञप्तियां जारी करने की भी काफी जो प्रोसेसिंग करवाई फाइल्स की, प्लस जो नई भर्तियां निकालनी थी उनके लिए तो कर ही रहे थे, साथ में परिणाम जो जारी करने का था उनमें भी काफी इन्होंने अच्छे प्रयास किए। वो इसलिए भी कि भी अब लोकसभा चुनाव थे तो अब दोनों तरफ से दोनों पार्टियों के लाभ के अकॉर्डिंग दोनों ने अच्छे से अभी इस 1.5 साल में अच्छे से काम किया, लेकिन अब देखने लायक होगा कि आगे भविष्य में इस इलेक्शन का 4 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा, उसके पश्चात किस तरह से जो है भजनलाल सरकार काम करती है। उसके बाद पता चलेगा इनका कि ये कितने हितैषी हैं सभी लोग, कितने हितैषी नहीं है। सभी विपक्ष हमेशा बेरोजगारों का साथी होता है, जितने पीड़ित होते हैं उनका साथी होता है, गरीब और जो भी शोषित वर्ग होता है उसका साथी हमेशा विपक्ष होता है, और क्योंकि उनको सब मुद्दे याद आ जाते हैं उस वक्त जब वो सत्ता में रहते हैं, वो किसी को याद नहीं करते, आरोप प्रत्यारोप, बिल्कुल आरोप प्रत्यारोप लगाने का काम होता है, बाकी रियलिटी तो यही है कि जो है विपक्ष ही हमेशा साथ देता है और विपक्ष में अब कांग्रेस है। अब आने वाले वक्त में देखते हैं क्या किस तरीके से होता है, भजनलाल सरकार अगर अच्छे से काम करती है तो हो सकता है भाई कुछ बदलाव आ सके, कहने का बिल्कुल विपक्ष को भी ज्यादा फिर आगे उठने का मौका नहीं। बहुत बड़ा एक सवाल है कि भले विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव है, पर एक आम जनता जो एक रोजी रोटी कमाने के लिए निकलती है, जिन छात्रों की हम बात कर रहे हैं, काफी लंबे समय से इन्होंने इंतजार किया था, चुनाव ज्यादा बड़ा है या छात्रों का भविष्य ज्यादा बड़ा है, आपको क्या लगता है इतना लंबा इंतजार आखिरकार छात्रों को करवाया क्यों गया? क्योंकि सरकार एक तरफ बड़ी बड़ी बातें करती है कि छात्र है तो हम आगे बढ़ सकते हैं, तो फिर इस तरह की इतनी देरी क्यों हुई, मेरा कहने का मतलब ये है। जी मैम बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, देखिए चुनाव तो इन्होंने जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं इनके लिए सबसे अहम मुद्दा ही चुनाव है, इनको जैसे तैसे कर करा के और चुनाव जीतना होता है,
अब आप देखिए दुर्भाग्य की बात, युवा कितने समय से संघर्ष कर रहा था, कितने बड़े बड़े मुद्दे थे, पेपर लीक था, भ्रष्टाचार था, सभी मुद्दे थे, और बड़े बड़े मुद्दे थे जो राजस्थान में ऐसे ऐसे कांड हुए कई, जिनके खिलाफ बहुत बड़े स्तर पे मैंने खुद ने इतने बड़े बड़े आंदोलन किए हैं पिछली सरकार में, और काफी चर्चा में रहते हैं आप बिल्कुल, तो खूब बड़े बड़े आंदोलन किए, लेकिन मैम जब अंतिम समय आया, चुनावों का समय आया, तो दुर्भाग्य की बात है, हम युवाओं की खुद की गलतियां मानता हूं मैं, ये दुर्भाग्य है पूरे राजस्थान का ही नहीं पूरे भारत का मानता हूं मैं, कि हमारा जो युवा है वो हमेशा दो मिनट में एक तो माइंड वॉश हो जाता है किसी से भी, दूसरा जो जातिवाद के ऊपर आधारित हमारे इलेक्शंस हो जाते हैं, मतलब सब लोग पेपर लीक, भर्तियां या रोजगार का मुद्दा या सभी मुद्दों को भूल गए, और जो इलेक्शंस हुए वही अंत में चाहे किसी घटिया से घटिया जैसे खुद की कम्युनिटी के व्यक्ति को टिकट दे दिया, तो अभी वो घटिया से घटिया व्यक्ति है जिसपे 40-40 मुकदमे हैं अगर, और उसको किसी को टिकट दे दिया तो लोग उसी के पीछे लग जाते हैं, पढ़े लिखे लोग। आपने कहा कि विकल्प नहीं है, आपने कहा कि माइंड डाइवर्ट हो जाता है छात्रों का, तो आपको क्या लगता है उनके पास बेचारों के पास कोई इसके अलावा कोई विकल्प बचता है? नहीं, विकल्प है मैडम, लेकिन जो जिस तरह से उनका सोशल मीडिया के माध्यम से जो माइंड डाइवर्ट किया जाता है ना, जो जिस चीज पे उनका ध्यान और कंसंट्रेशन होनी चाहिए वो नहीं कर पाते और वो जातियों में बढ़ जाते हैं। अभी आप देखिए इतना घटिया स्तर का चुनाव हुआ अभी एमपी के चुनाव में, मैं आपको बताता हूँ, आज जो ये पूरा राजस्थान का इधर से बेल्ट आप ले लीजिए, शेखावाटी, गंगानगर, हनुमानगढ़, नागौर, बाड़मेर, मतलब इतना गंदा इलेक्शन हुआ है आप मानोगे नहीं, मतलब जाट राजपूतों की जो आपसी जिस तरीके से लड़ाइयां चली, दुर्भाग्य की बात थी। मैं हम तो इस वजह से अब सौहार्द जो है सभा बनाने जा रहे हैं, नई पहल शुरू करने जा रहे हैं कि जातिवाद खत्म होना चाहिए, जो मूल मुद्दे हैं वो सारे गौण हो गए, राजपूत कोई चाहे दो नंबर वाले लोग सपोर्ट करते हो, फर्जी कैंडिडेट खड़े हो गए, तो उन्होंने कुछ नहीं पहल किया, जाट करने जा रहे हैं, बिल्कुल जाट है, बिल्कुल फर्जी कैंडिडेट है, उसके बावजूद भी जाट है बस वो, इसलिए उसको जाट पीछे सपोर्ट कर रहे हैं, कोई किसी पार्टी को छोड़ के आधी रात को दूसरी पार्टियां बदल लेते हैं और फिर जाट जाट चिल्ला लेते हैं, राजपूत राजपूत चिल्ला लेते हैं, गुजर गुजर चिल्ला लेते हैं, मीणा मीणा चिल्ला लेते हैं, मतलब आप देखिए सिर्फ गुजर गुजर, मीणा मीणा, जाट जाट, राजपूत राजपूत चिल्ला चिल्ला के और दलित दलित चिल्ला चिल्ला के लोग उस पूरी राजनीति को डाइवर्ट कर देते हैं और युवा पूरा भटक जाता है, युवा मूल मुद्दों को भूल ही जाता है कि इन्होंने किया क्या था, किन लोगों के खिलाफ क्या होना चाहिए था, किस तरह से हमें चुनाव में किन लोगों के खिलाफ खड़े होकर वोटिंग करनी चाहिए, वोटिंग करनी चाहिए। कहने का मतलब है आपका कि राजनीति की जा रही है धर्म राम के नाम पर, धर्म तो फिर भी राजस्थान में कम होता है धर्म के नाम पे, तो लेकिन जातिवाद के नाम पे तो जातिवाद के नाम पर, मैं कहना चाह रही थी, माफी चाहूंगी, कि जातिवाद के नाम पर जो राजनीति करी जा रही है, बिल्कुल बिल्कुल मैम। और आप छात्र संघ चुनाव देख लीजिए, अब राजस्थान विश्वविद्यालय का चुनाव होता है, जोधपुर विश्वविद्यालय का चुनाव होता है, या कहीं भी जैसे दौसा में भी जैसे गवर्नमेंट कॉलेज का चुनाव होता है, या भरतपुर साइड में, या जहां भी होते हैं अभी गवर्नमेंट इलेक्शंस होते हैं, तो वो आप देखिए एक पार्टी ने जाट को टिकट दे दिया, एक राजपूत को, जाट राजपूत लड़ रहे हैं और फुल उनका वो चल रहा है, जबकि जो छात्र नेता है उनके पास बड़ी बड़ी फॉर्चूनर, बड़ी बड़ी डिफेंडर, बड़ी बड़ी गाड़ियां। आप ये बताइए अभी लोकसभा इलेक्शन लड़ रहे हैं कई लोग, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा किसी का, लेकिन बड़ी बड़ी बड़े बड़े इलेक्शंस लड़ रहे हैं, आप कितने लोग देख लीजिए, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के हैं, चाहे बीजेपी के हैं, चाहे निर्दलीय हैं, कहां से आ रही हैं उनके पास इतनी गाड़ियां, इतना पैसा आ कहां से रहा है, जरूर उनके पीछे कोई बड़े माफिया लोग हैं, बड़े लोग हैं जो उनको पनपाना चाहते हैं, और वही लोग फिर सरकार को चलाएंगे, वो तो केवल कठपुतली है जो सामने दिखाई दे रहा है, वो तो केवल कठपुतली है, तो आने वाले टाइम में कौन सपोर्ट कर रहा है, या तो सटोरिए कर रहे हैं, या पेपर लीक माफिया कर रहे हैं, या भू माफिया कर रहे हैं, या बजरी माफिया कर रहे हैं, जितने भी लोग हैं, जितने भी माफिया लोग हैं, सबने अपना अपना सिस्टम तैयार कर लिया, राजनीति में सामने डमी कैंडिडेट्स होते हैं, उन डमी कैंडिडेट्स को यूथ के नए नए डमी कैंडिडेट्स तैयार हो रहे हैं, और चाहे वो राजस्थान विश्वविद्यालय के अध्यक्षों को ले लीजिए, चाहे अलग अलग विश्वविद्यालयों के अध्यक्षों को ले लीजिए। तो कहने का मतलब है कि चेहरा किसी और का है, खेल किसी और का है, आप ये कहना चाह रहे हैं। चलिए भरत जी, हम थोड़ा आगे बातचीत जारी रखना चाहेंगे कि भर्ती और रिजल्ट के संघर्ष को लेकर काफी धरना प्रदर्शन भी किया गया, सड़कों पर अगर हम बात करें तो आर पार की जो लड़ाई है जिस हमें देखने की मिली है, जिसमें आप जो है मुखर होते हैं हमेशा, तो आपको सबसे बड़ी बात है मनोबल कैसे मिलता है? जी मनोबल तो मैम शुरू से ही, मैं तो छोटा था तब से ही, यो मान लीजिए कि 10th 11th से ही जब कुछ गलत होता था तब से ही जो है सक्रिय थे, और माता पिता बहन भाई परिवार जो और दोस्त जितने भी थे,
तो इसी तरह का माहौल मिला शुरू से ही कि भाई, और फिर ऐसे झुंझुनू की धरती से आते हैं, जो झुंझुनू की धरती वीरों के लिए जानी जाती है, और सेखावाटी की वीर धरा से आपको पता है हर तीसरे दिन एक शहीद का जो है झंडे में लिपट के आना, वो हमें प्रेरणा देता है कि भाई हम देश के लिए कुछ करें। और देश में ही हमारे युवा आते हैं, तो युवाओं के लिए लड़ना सीखा, गलत चीज के खिलाफ आवाज उठानी सीखी, जहां भी गलत होता था वहीं पहुंचने लग गए। फर्स्ट ईयर में जब यहाँ से मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे शुरुआत में, तभी मतलब शुरुआत में ही जब कुछ कॉलेज की तरफ से गलत हुआ तो उसी टाइम बड़ा आंदोलन हुआ। मेडिकल यूनिवर्सिटी हमने अलग से आंदोलन करके बनवाई, पहले आरयू के अंडर में आता था हमारे मेडिकल के कोर्सेज हो चाहे इंजीनियरिंग के कोर्सेज हो, फिर तब से शुरुआत में कुछ गलत हुआ जो फीस से रिलेटेड, तो हमने खूब आंदोलन किए, काफी हमें गिरफ्तार भी कर लिया गया फर्स्ट सेकेंड ईयर में। तभी से हमें क्या है, जब हमारे साथ थोड़ा टॉर्चर हुआ, हमें परेशान किया गया, तो मतलब ये हुआ कि यार हमें लड़ना का दर्द पता चला बाकी छात्रों का, बिल्कुल, फिर उससे लड़ना सीखा और धीरे धीरे और मजबूत होते गए, दिल खुलता गया, और फिर हमने सोच लिया कि अब युवाओं के लिए जब हम अपने साथियों के लिए इतना कर सकते हैं, खुद के लिए अभी इतना कर सकते हैं, तो दूसरे युवाओं के लिए भी करना चाहिए, देश के लिए भी करना चाहिए। और देश में जब देखा कि किस तरह की राजनीति चल रही है, बहुत ही घटिया स्तर की पॉलिटिक्स, दो नंबर के दो कोटी के गुंडे दो मिनट में आके और विधायक बन जाते हैं, और वो क्या सरकारें चलाएंगे, वो उसी तरह से वो सरकारें चलाएंगे और उसी तरह के वो जो है आगे डेवलपमेंट करवाएंगे, क्योंकि वो आते ही सिर्फ डकैती के लिए हैं, सीधी बात ये रहती है। चलिए, आपका ये जो बेखौफ एक व्यक्तित्व है, यही आपको जो छात्र हैं, देश की जनता है, उनके दिलों में राज कराता है। क्या बता दें भरत जी, जो है छात्रों के हित में, देश की जनता के हित में, रोजगार के हित में जो है काफी लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे थे, और उनकी कहीं ना कहीं जो मेहनत है वो रंग लाई है। तो बात करें, देखिए 7 लाख छात्रों का भविष्य चुनाव के चलते जो पेंडिंग था, आखिरकार किस तरीके का छात्रों में अब माहौल देखा जा रहा है, सबसे बड़ा सवाल है। फरज जी, आपसे जानना चाहूंगी। जी बिल्कुल, छात्रों में अच्छा माहौल है, युवाओं में अब उनको थोड़ी आस जगी है कि वापस से हमारे रोजगार के द्वार खुलेंगे, और जो हमारा भविष्य काफी समय से अटका पड़ा था उसके जो है अब आगे जो है उसमें अब वृद्धि होगी, और सोच समझ के अब जो है आगे की किन भर्तियों की तैयारियां करनी है, नई भर्तियां कौन सी आनी है, उनकी विज्ञप्ति आप जारी होंगी। ये 7 लाख भर्तियों के अलावा मैं बता देना चाहता हूँ आपको, काफी ऐसी वैकेंसीज नई आनी है, अभी आने वाली हैं जो चाहे अब जैसे 8,000 के करीब है जो NHM नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर में ही जो है मेडिकल विभाग की एक विज्ञप्ति, और जैसे ही आचार संहिता का खुलेगा मामला, उसके बाद तुरंत जो है जारी होंगी विज्ञप्तियां, उनके लिए भी परमिशन के लिए लगा दी है जो है बोर्ड ने, अभी हमने उसको फाइल को मूवमेंट करवा दिया है। प्लस इनमें जो वैकेंसीज आ रही हैं, इसमें जैसे कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की है, क्योंकि मैं मेडिकल एसोसिएशन से भी नेशनल प्रेसिडेंट हूँ, तो उसके नाते से हमने मेहनत की थी, तो इसमें 4,450 जो पद हमने करवाए थे, 4,474 के करीब, ये भी हमने बहुत मेहनत से करवाए थे, पहले 3,500 के करीब पद हो रहे थे इसमें, और अब एक जो एक फाइल और क्लियर हो गई है लगभग, तो 6,000 के करीब इन पदों की संख्या हम इसमें करवा लेंगे। अपन ने जो अभी जो ये 7 भर्तियां, इनमें से कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर एक, तो इसमें पद बढ़ रहे हैं, और इसमें नर्सेज और ANM की जो भर्तियां है, इन दोनों की भी भर्तियों में कुछ कुछ पद बढ़ने का पूरी संभावना है। कोशिश कर रहे हैं कि भाई रिजल्ट जारी जो हो, अभी इनमें रिजल्ट अभी थोड़ा सा समय लगेगा, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर में अभी थोड़ा सा और समय लगेगा, पहले इनके कुछ एक भर्तियां और दूसरी हैं, उनके परिणाम आएंगे। अब जैसे जूनियर अकाउंटेंट वाली थी, इसमें भी काफी कुछ जो पहले से जो चल रहा था, इसमें जो परेशानी आई थी काफी नियमों में बदलाव की वजह से, और एग्जाम्स डबल और कई चीजें दिक्कतें आई थी, उनमें भी अब आगे चल के सुधार कर रहे हैं। और सबसे बड़ा तोहफा इस आचार संहिता के बाद जो है रीट का हम देंगे सभी युवाओं के लिए, जो मेहनत हमने करी है उसमें क्या है, अब सिंगल एग्जाम होगा, पहले दो एग्जाम्स थे, पात्रता परीक्षा भी ली जाती थी, तो सबसे बड़ा रोजगार का साधन, कम से कम 20 लाख युवाओं को प्रभावित वो चीज करेगी। 20-25 लाख युवा हमेशा फॉर्म भरते हैं रीट के लिए, और काफी युवा, सबसे ज्यादा युवा अगर किसी के लिए अप्लाई करते हैं तो वो उसी के लिए करते हैं। तो मतलब ये है कि इन 7 भर्तियों के अलावा भी बहुत सारी ऐसी भर्तियां हैं जो नई अभी आने जा रही हैं, और उनमें कुछ एक छोटे मोटे नियमों के बदलाव होने, उसके पश्चात हम लोग उनके लिए भी प्रयास करके और उनको निकलवाएंगे जल्द से जल्द। राज्य सरकार ने चुनाव आयोग को रिजल्ट जारी करने के लिए जो पत्राचार किए थे, उनको लेकर आप किस तरह से देखते हैं, जैसे कि आपने बताया अभी? जी बिल्कुल, पत्राचार किए, कहीं भी कोई डिलाई नहीं बरती गई, ना राज्य सरकार की तरफ से बरती गई, ना बोर्ड की तरफ से बरती गई। ये तो जब जिनको मुद्दा बनाना होता है वो मुद्दा बनाते हैं, क्या है इन्हीं से कुछ बेरोजगार नेताओं की रोटियां भी चलती है, प्रॉब्लम ये आती है ना, फिर दिक्कत ये है कि राजनीति से जोड़ के बेरोजगार नेता हो, चाहे जो यूथ के और लीडर्स हो, चाहे आप देख लीजिए राजनीतिक पार्टियां हो,
वो बस सिर्फ बातें करती हैं, जब उनकी सत्ता रहती है वो लोग कुछ करते नहीं है। आप एक बात बताइए, 10 दिन ही तो और थे, बिल्कुल अपने आप क्लियर होनी थी वो तो सारी भर्तियां, परमिशन की जरूरत ही नहीं थी। अब ये फाइल परमिशन के लिए जानी नहीं होती अगर 10 दिन बाद, अब वैसे ही 10 दिन बाद रिजल्ट आना ही है, तो इसमें लोग बस अब क्या, कई तो क्रेडिट लेने आएंगे, कई लोग ये कहेंगे हमने करवा दिया, कई कहेंगे हमने, देखिए मैं तो ये कहता हूँ मैंने भी कुछ नहीं करवाया, हमने बस ठीक है फाइल मूवमेंट के लिए एक दो बार मिले हैं, 2-3 बार चुनाव आयोग से। आपका संघर्ष काफी लंबा रहा है, काफी मेहनत की है आपने। हाँ मैम, जो ये 7 भर्तियां हैं इनकी विज्ञप्तियां जारी कराने से लेके, इनकी परीक्षाएं करवाने से लेके, इनमें पद बढ़ाने से लेके, सब में अच्छा संघर्ष रहा है हमारा बहुत। लेकिन जो ये अभी आचार संहिता के दौरान जो परमिशन का मामला था, ये कोई इतना बड़ा इशू था नहीं, क्योंकि जब चुनाव होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई ना परिणाम घोषित कर सकते हैं ना नियुक्तियां दे सकते हैं, तो वो जैसे ही अब चुनाव हो गए तो अब हो गए। अब कई लोग कहते हैं हमने करवा दिया, कह देते हैं कई लोग, तो वो उन, मैं भी ये भी कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, अगर तुमने करवा दिया तो तुम चुनाव से पहले ही करवा लेते ना, फिर जब इतनी चल रही थी तो तुम्हारी, वो तो चुनाव हो गए, आचार संहिता अपने आप हटेगी तो अपने आप अब सब कुछ होंगे, एग्जाम्स भी होंगे, विज्ञप्तियां भी जारी होंगी और चुनाव इनके सॉरी भर्तियों के परिणाम भी आएंगे और सारे काम होंगे। चलिए भरत जी, 7 लाख छात्र हैं, 7 भर्ती में बात करें तो 17,271 पोस्ट का जो है वो नौकरी जल्दी मिल सकती है, तो क्या कहना है आपका इस मामले में पूरा? जी बिल्कुल, जल्द ही मिलेगी और इसमें अभी नियुक्ति दिलवानी है, कुछ के परिणाम ज्यादातर के परिणाम जारी होने हैं इनके, तो बोर्ड के, बोर्ड का काम है सिर्फ परिणाम जारी करना और ये बोर्ड को परमिशन मिली है मैम। 17,271 बिल्कुल पोस्ट। बिल्कुल, ये परिणाम जारी होंगे अभी सभी पोस्टों के, और पहले परिणाम जारी होंगे, उसके बाद हमें हो सकता है भजनलाल सरकार किस तरह से काम करती है, अगर फास्टली काम करती है तो नियुक्ति के लिए हमें आंदोलन नहीं करने पड़ेंगे। बाकी सबसे बड़ी परेशानियां जो राजस्थान में आती है वो भर्तियां 5-5 साल लग जाते हैं, 4-4, 3-3 साल। हमने जिस भी भर्ती में आज तक इंटरफेयर किया 5 से 10 महीने में उस भर्ती को निपटाया हमेशा से। आपने अभी आंदोलन की बात की, तो आंदोलन को लेकर आपके मन में क्या है, क्या सोच के आपने ये बात कही कि कब तक आप लोग वेट करेंगे, उसके बाद आप लोग आंदोलन की राह पर भी उतर सकते हैं? जी बिल्कुल, 1 महीने का जो समय हम लोग देंगे जिसमें इन सभी भर्तियों के लगभग परिणाम जारी हों, उसके पश्चात अगर कोई ढिलाई रहती है तो फिर हम लोग इस पे आंदोलन करेंगे, जैसे 4 तारीख से और अगली 4 तारीख तक। अगली 4 तारीख तक आप लोग इंतजार करेंगे, अगर उसके बाद जो सरकार है अपने वादों पर खरी नहीं उतरती है तो आप लोग आंदोलन पर भी उतर आ सकते हैं। जी बिल्कुल, आंदोलन पे उतरेंगे और अच्छे से जल्द उनको जारी भी करवाएंगे, और नियुक्ति दिलवाने के लिए अलग से आंदोलन करना पड़ता है राजस्थान में, परिणाम जारी करवाने के लिए अलग से, विज्ञप्ति जारी कराने के लिए अलग से, परीक्षा करवाने के लिए अलग से, और हर चीज के लिए जो है राजस्थान में आंदोलन करना पड़ता है। लेकिन अब जब से हमने खूब सारे आंदोलन किए पिछली सरकार से, उसके बाद सरकारें खुद इसमें एक्टिव हो गई और बोर्ड ने भी काफी हद तक जो है इनमें काफी परिवर्तन किए। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से एक मांग सरकार से एक ये स्पेशल करना चाहूंगा कि एक तो बोर्ड के जितने भी चेयरमैन होते हैं वो चेयरमैन है ना, वो सभी जो है सरकार खुद की तरफ से कोई नियुक्ति नहीं करे, जो ऐसे लोगों को रिक्रूट करे जिनकी 15 साल का, जैसे आईपीएस की किसी की नौकरी बची हुई है 15 साल की जी। उन ऐसे जो सरकारी महकमे में ही अभी जो पोस्ट पे लगे हुए हैं ऐसे लोगों को जिम्मेदारी दे, न कि रिटायरमेंट के बाद, रिटायरमेंट के बाद जो जैसे देते हैं ना जैसे नियुक्ति इनको, अभी जैसे हरिप्रसाद शर्मा जी हैं, अभी आलोक जी हैं और आरपीएससी के जो चेयरमैन हैं, वो सारे रिटायरमेंट के बाद जो है बड़े आईपीएस ऑफिसर्स को जो है इसकी आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स को जो है उनको चार्ज दिया जाता है, तो वो चार्ज उनको नहीं देके और ऐसे लोगों को, क्योंकि ये सबसे बड़ा महकमा है, फिर पेपर लीक और वही होंगे, क्योंकि सरकार के अकॉर्डिंग जैसे आज मैं हूँ सरकार और मेरा व्यक्ति है, मैं उसको राजनीतिक नियुक्ति दे रहा हूँ बोर्ड के चेयरमैन के तौर पे, तो मैं जैसे कहूंगा वो वैसे ही करेगा। तो पिछली सरकार में भ्रष्टाचार क्यों हुआ, भर्तियों में पेपर लीक क्यों हुए, क्योंकि उनके चेयरमैन ही उन सरकारों द्वारा जैसे कांग्रेस सरकार के लगाए हुए थे, तो वो ऑटोमेटिक बात है कि वो उसमें भ्रष्टाचार उनके कहने के अकॉर्डिंग, गहलोत साहब के कहने के अकॉर्डिंग ही करेंगे। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से एक और जो है दरख्वास्त करना चाहता हूँ सबसे बड़ी, कि जो अभी जितने पेपर लीक हुए पिछले, उन सभी पेपर लीक्स में जिन जिन लोगों का हाथ है उन लोगों को आपने पकड़ने का प्रयास किया, उसमें मेन अभियुक्त अभी तक भी गायब हैं, सुरेश ढाका, यूनिक भांबू, ये जो बड़े बड़े नाम थे जो सारे गायब हैं, उनको अभी तक नहीं पकड़ पाए आप, मेन आदमी तक नहीं पहुंच पाए। अब इन मगरमच्छों को आप पकड़ो, फिर सीधी बात यह है कि जब लोकेश शर्मा ओएसडी साहब स्पष्ट कह रहे हैं कि पेपर लीक में जो सरकार का खुद का हाथ था, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, तो आप लोकेश शर्मा जी को भी उठाओ और उनसे उगलवाओ कि भी क्या है मामला। मैं कह रहा हूं
भाई अगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी भी इसमें अगर हैं इन्वॉल्व, तो आप मुख्यमंत्री के खिलाफ तुरंत प्रभाव से मुकदमा दर्ज कीजिए, और जो खून के आंसू युवाओं को रुलाए उन्होंने काफी उसकी सजा उनको मिलनी चाहिए, और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी जेल में डालो अगर वो भ्रष्ट है और गलत व्यक्ति है। गलत व्यक्ति है। तो बेनीवाल जी, जो हमारी बातचीत है वो हम लगातार जारी रखेंगे। इसी बीच हमारे साथ हमारी सहयोगी शगुफ्ता जुड़ गई है। तो शगुफ्ता, आप काफी लंबे समय से इस मुद्दे पर आपने हमें रिपोर्टिंग की, हमने अपने लोगों से बातचीत की। तो शगुफ्ता, जिस वक्त आप जहां पर इस वक्त खड़ी हैं, क्या कुछ माहौल है, हम जानना चाहेंगे। देखिए शगुफ्ता, रोजगार अभ्यर्थी राजस्थान में मतदान की प्रक्रिया पूरी होने के बाद जो परिणाम का रिजल्ट था, काफी समय से लोग जो है उसकी मांग कर रहे थे, तो अभी जो अनुमति मिल गई है इसको लेकर क्या कुछ माहौल देखा जा रहा है? माहौल काफी अच्छा देखा जा रहा है कि विद्यार्थी जो जिन्होंने एग्जाम दिया था ये सुनकर बहुत ही उत्साहित हैं, और कहा जाता है कि सब्र का फल मीठा होता है, तो काफी उत्साह के साथ हम एक युवा के साथ जुड़ने वाले हैं, वो भी अपनी बातें हमारे सामने रखेंगे। जी शगुफ्ता, हम चाहेंगे कि आपके साथ जो लोग मौजूद हैं आप उनसे बातचीत करें और उनसे ये जानें कि कैसा काफी लंबे समय का जो इंतजार है अब उनको कैसा लग रहा है। देखा जा रहा है कि विद्यार्थी जो जिन्होंने एग्जाम दिया था ये सब सुनकर बहुत ही उत्साहित हैं, और कहा जाता है ना कि सब्र का फल मीठा होता है, तो काफी उत्साह के साथ हम एक युवा के साथ भी जुड़ने वाले हैं, वो भी अपनी बातें हमारे सामने रखेंगे। मैम नमस्कार। लगभग मैम विधानसभा चुनाव से पहले लगभग जी काफी समय का लंबा इंतजार है, किस तरीके से क्या? बिल्कुल मैम लगभग 7 भर्तियां जो ANM GNM सूचना सहायक कृषि पर्यवेक्षक 7 भर्तियां हैं, जो लगभग एक साल हो गया एग्जाम लगे हुए, अभी तक भी अधीनस्थ बोर्ड द्वारा कोई उनका परिणाम जारी करके जॉइनिंग देने का काम नहीं किया गया है। मैं अधीनस्थ बोर्ड के जो चेयरमैन साहब उनसे गुजारिश करूंगा कि मीडिया परवरिया काम छोड़कर आपको इन भर्तियों के परिणाम पर ध्यान देना चाहिए, इससे कि हम लोगों को रोजगार मिल सके और मेरे जैसे हजारों युवा जो इन भर्तियों की आस में बैठे हैं उनको रोजगार मिल सके और वो अपने भविष्य को सुरक्षित कर सके। जी जी आपके साथ और जो लोग मौजूद हैं क्या हम जानना चाहेंगे शगुफ्ता, उनमें से किसी ने एग्जाम दिया था? भजनलाल सरकार जो आपकी आई है उनसे उनके फैसले से आप कितना खुश हैं सारे छात्र? मैम अभी तो 15 दिन बचे हैं चुनाव के परिणाम आने में, और 15 दिन के अंदर अगर ये परिणाम निकाल देते हैं तो समझते हैं कि भजनलाल सरकार के जो काम है वो काबिले तारीफ है। अगर ये 15 दिन में परिणाम नहीं निकाल पाते हैं तो फिर जैसा चलता आ रहा था वैसे चले आ रहे हैं, ऐसा कोई खास इम्पैक्ट इन्होंने डाला नहीं है जी। अगर रिजल्ट नहीं निकलता तो आचार संहिता की वजह से भी ये सब परिणाम रोके गए थे। आइए हम जानते हैं कि जी एग्जाम आपने दिए? हाँ दिया मैम जी। शगुफ्ता आखिरी सवाल, मैम एग्जाम दिया था लगभग 1 साल हो गया, रिजल्ट अभी तक आया नहीं है, अब बड़ी उपलब्धि जब भी मानेंगे आचार संहिता से भी, अब उनको परमिशन मिल चुके चुनाव आयोग से, 15 दिन बचे हैं 4 जून के अंदर, 4 जून का रिजल्ट आते आते परिणाम के, मैं कहता हूँ 15 दिन में अगर अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन रिजल्ट निकाल देते तो बड़ी बात है, बड़ी उपलब्धि है, अगर नहीं निकाल पाते तो ये चुनाव आयोग से जो ये फॉर्मेलिटी आंदोलन के लिए अगर सरकार नहीं मानती है आश्वासन दे रही है तो आप लोग आंदोलन करेंगे तो क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि बहुत तेज है बेरोजगारी भी नहीं आ पाएंगे आंदोलन वगैरह में, और अभी देखो 13 दिन का समय बचा है, 4 तारीख का रिजल्ट आ जाएगा, चुनाव आयोग की परमिशन परसों मिली थी लेकिन अभी तक चयन बोर्ड के पास उस परमिशन का पत्र भी नहीं पहुंचा है, अब देखते हैं आज अगर उनके पास पत्र पहुंचता है तो 1-2 दिनों वो कार्रवाई स्टार्ट करेंगे, 2-5 दिन में 1-2 रिजल्ट भी आने वाला है, बेरोजगारों की बहुत अच्छा काम सरकार ने। मुख्यमंत्री जी से भी यही हमारी विनती है आपके चैनल के माध्यम से कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो,
जो पेपर लीक में लिप्त थे और जो अभी तक पकड़ में नहीं आए, जिन लोगों को पकड़ा था एसआई भर्ती में कार्रवाई हुई है, कुछ लोगों को जमानत मिल गई, लेकिन जो लोग अभी जेल में है उनको किसी भी तरह से सरकार मजबूत पहले ही करे जमानत नहीं मिले, क्योंकि वो लोग उस भर्ती के पेपर लीक में लिप्त है तभी उनको पकड़ा गया है। और दूसरी बात, अगर भर्ती में ज्यादा ही धांधली सामने आती है एसआई में, तो एसआई भर्ती को रद्द करने के लिए सरकार सोचे। जी ऋतिका, इनका कहना है कि अभी 13 दिन बाकी है, 4 तारीख को पता चलेगा आंदोलन किस प्रकार से किया जाएगा। जी शगुफ्ता, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। ये थे हमारे साथ लाइव में हमारे साथ शगुफ्ता खान, जिन्होंने इस पूरे मामले को लेकर हमारे साथ स्टूडियो के साथ बाहर की जो जनता थी, जो वहाँ के छात्र थे जिन्होंने परीक्षा दी थी, उनसे बातचीत की, उनके मन की बात जानी। तो ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा, 4 जून को पता चल जाएगा कि चुनाव के नतीजे क्या होते हैं। चलिए फिर से हम इस चर्चा पे आ जाते हैं। भरत जी, देखिए आपको बता दें कि इन परीक्षाओं के परिणाम जारी होने वाले हैं। हमारी जनता को बता दें, जो लंबे समय से रुके हुए थे, जिसमें भर्ती और पद का नाम एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं। सूचना सहायक के 2730 पद थे, एएनएम के 2058, जेएनएम के 1588, कृषि पर्यवेक्षक के 430, कनिष्ठ लेखाकार और तहसील राजस्व के 5388 पद, संघक के 5083 पद और सीएचओ के 4494 पद थे। तो भरत जी, एक बार फिर से हम आपसे बातचीत पे आ जाते हैं कि देखिए बेरोजगार छात्रों के हितों को लेकर इस दरवाजे से उस दरवाजे तक किस किस तरह के आश्वासन मिलते आए थे जब आप लोग इतनी मेहनत कर रहे थे। जी मैम, आश्वासन ही मिलता है युवाओं को तो ज्यादातर, क्योंकि जब तक सरकारें हैं, कोशिश करते हैं हम लोग की भी कोई अच्छे अधिकारी आ जाते हैं तो काम अच्छे से करते हैं। देखिए अकेला सरकार का ही नहीं, उसमें बैठे जो अधिकारी होते हैं उनका एक बड़ी अहम भूमिका होती है। अब अधिकारियों में भी राजनीति चलती है, जैसे कांग्रेस सरकार से जुड़े हुए जो अधिकारी हैं वो अब जैसे बीजेपी की सरकार है तो उन फाइलों को जानबूझ के ठंडे बस्ते में डालने का प्रयास करेंगे ताकि उन पे उल्टे सीधे आरोप लगे, विपक्ष को राजनीति का मौका मिले और युवा उनका विरोध करें, और जिससे क्या है जो है युवा उनके खिलाफ जो माहौल तैयार करेंगे तो उसका फायदा आगे चुनाव में मिलता है। यही हालात अच्छे जो अधिकारी जो भाजपा सरकार से जुड़े हुए कुछ अधिकारी हैं तो वो भी ऐसे दोनों पार्टियों में जुड़े हुए हैं, दोनों अपने अपने अधिकारी दोनों के रहते हैं। जो आईएएस हैं ऑटोमेटिक आप देखिए तबादला सूची जारी हो जाती है नई सरकार आती, तो जो मूल पद होते हैं मुख्य पद होते हैं उन मुख्य पदों पे जो है भाजपा की सरकार आएगी तो उनके अधिकारी आ जाएंगे और वही पूरी सरकार को फिर डील करते हैं। तो लेकिन इस बार अभी तक ऐसा ज्यादा कुछ हुआ नहीं है। जैसे अब अखिल अरोड़ा जी है, अखिल अरोड़ा जी पे अभी थोड़ा दिन पहले कितने आरोप लगे थे, योजना भवन में कितना बड़ा मामला पकड़ा गया था वो सोने की ईंट वाला, और कई मामले हुए थे उसमें उन पे आरोप लगे थे, उसके बावजूद भी वो आज जो है फाइनेंस को संभाल रहे हैं डिपार्टमेंट को, और सबसे अहम डिपार्टमेंट है फाइनेंस, उनको दे रखा है। जबकि अब सुधांशु पंत जी हैं जो चीफ सेक्रेटरी आए हैं राजस्थान सरकार में, उन्होंने अच्छे से जो है राज्य कर्मचारियों को काम करना सिखाया, ऐसी बात नहीं है, बहुत अच्छे से वो काम कर रहे हैं। मतलब प्रत्येक डिपार्टमेंट में जो ड्रेसेस थी उन तक पे अभी रूल एंड रेगुलेशन लागू है कि भाई जींस पैंट टी शर्ट नहीं पहन के आ सकते आप प्रोफेशनल ड्रेस में आएंगे, एक गवर्नमेंट कर्मचारी हो तो गवर्नमेंट कर्मचारी के अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ेगा, जो समय है वो भी सीमा भी निर्धारित होगी। तो इस तरह से सब चीजों पे अब रूल एंड रेगुलेशन जो है कर्मचारी हो चाहे अधिकारी हो चाहे सरकार से जुड़े हुए लोग हो उन पे अच्छे से रूल रेगुलेशन जब तक लागू नहीं होती है तब तक आप उनसे अच्छे से डील नहीं कर सकते। तो इतने जब किसी के अपराध सामने आ जाते हैं भरत जी तो उसके ऊपर सरकार एक्शन क्यों नहीं लेती, कहाँ ढील आ जाती है, आखिर कारण क्या होता है, क्योंकि आपने इतना काम किया है, आपने जमीनी स्तर से चीजों को देखा है। जी देखिए जैसे अब इस सरकार में आए हैं कई लोग, जैसे पिछली सरकार के लोग हैं जो इसमें मिले हुए हैं, तो जैसे कोई भी सरकार आ जाए ये चीज तो हमने देखी कि राजनीति को सुधारने के लिए हम यही प्रयास कर रहे हैं कि जो युवा जीत के आए, जो आने वाले भविष्य में जो चुनाव जीत के आए वो अच्छे लोग चुनाव जीत के आए। अब चक्कर यही है कि वैसे ही लोग वापस टिकट ले लेते हैं और वही जातिवाद के नाम पे जीत के आ जाते हैं, और वो कैसे जैसे करके जीत के तो आ जाते हैं लेकिन उनको काम करने का तरीका नहीं है, उनको डिपार्टमेंट को सुधारना नहीं आता, उनको आगे किस तरह से विकास के लिए काम करना है वो नहीं पता आज तक, ना उनकी कोई रूपरेखा है ना आगे उनके पास कोई विजन है, तो उनके पास कुछ है ही नहीं विजन वगैरह, तो वो करेंगे कहाँ से। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि भाई जो पहले से काम कर रहे थे वो भी ज्यादातर भ्रष्ट हैं, क्योंकि नेता ही ऐसे जीत के आए तो वो उसी अकॉर्डिंग उन अधिकारियों से भी काम करवाएंगे भ्रष्टाचार से जुड़े हुए, और इधर भी नेता तो इस पार्टी में भी यही हालत है, उस पार्टी में भी हालत, तीसरी कोई पार्टी उसमें भी यही हालात है। तो जब तक राजनीति का सिस्टम नहीं सुधरेगा तब तक चेंज नहीं हो सकता। तो चोर मोसेरे भाई वाली बात है, अब वो एक दूसरे का साथ दे देते हैं, अब उनको पता है कि ये फंस रहा है कल को अपनी सरकार आएगी वो उसका साथ दे देगा,
तो बड़ा दुर्भाग्य है इस राजनीति को बदलने के लिए। हम जैसे युवा प्रयास करते हैं तो उनको वो और तरीके से रोकने का प्रयास करते हैं, सब तरीके आजमाते हैं कि कैसे भी तरीके, धमकियां भी आती है, सब तरीके से दूसरे भी प्रोसेस अपनाते हैं कि भाई यूं हर तरीके से कि तुम्हें फंसा देंगे, तुम्हें ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो बड़े बड़े गैंगस्टर्स की धमकियां आई पिछली बार जब पेपर लीक प्रकरण हुए, हमने आंदोलन कर रखे थे रीट के खिलाफ, इतना बड़ा मोर्चा खोला था, बड़े बड़े आंदोलन किए थे पेपर लीक के खिलाफ। ऐसी कोई भर्ती नहीं थी जिसमें हमने सबूत नहीं दिए। जितनी एसओजी में मुकदमे दर्ज हैं अभी राजस्थान में, किसी भी शायद युवा नेता ने आज तक मुकदमे दर्ज नहीं करवाए। 4 भर्तियों में मेरे नाम से मुकदमे दर्ज हैं और 6 भर्तियों में टोटल अभी तक मुकदमे दर्ज हुए हैं, मतलब पेपर लीक से जुड़े। प्रशासन की तरफ से इस तरह की जब लोगों की इस तरह की धमकी मिलती, क्योंकि आप छात्रों के हित में, बेरोजगारों के हित में काम कर रहे हैं, जब इस तरह की कोई धमकियां इस तरह से लोग आप लोगों को दबाते हैं, आप लोगों के मुद्दों को, तो प्रशासन की तरफ से कोई आप लोगों को हेल्प मिलती है, कोई सुरक्षा मिलती है, क्या कुछ रवैया रहता है उनका, क्योंकि कर तो आप देश के हित में रहे काम। जी बिल्कुल मैम, प्रशासन की तरफ से तो ऐसे ही है कि भाई प्रशासन जो लोग जितने पावर में बैठे हैं वही लोग वो करवाते हैं ऊपर से, तो प्रशासन भी लगभग 70% तो 10-20% लोग सही मिलते हैं, बाकी चाहे वो कोई सा डिपार्टमेंट आप ले लो वो भी उन्हीं से मिले हुए रहते हैं। तो वो जो है हम लोग जाके उनसे कहते भी हैं तो वो कोई विशेष कार्रवाई उसमें करते नहीं है। कुछ एक लोग होते हैं जो वास्तव में हमारा साथ देने का प्रयास करते हैं तो उनके आने वाले टाइम में कोई तबादले हो जाएंगे, कभी कुछ हो जाएगा, कभी कुछ हो जाता, किसी भी तरीके से उनको भी दबा दिया जाता है। तो फिर ये है कि जब तक आप खुद सिस्टम में नहीं आएंगे, मैं तो राजस्थान के युवा को News 21 के मंच के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ और कि आप लोगों को खुद को, जो अच्छे युवा हैं सच में ही देश बदलना चाहते हैं और वास्तव में सिस्टम को बदलना चाहते हैं, भैया खुद को राजनीति में आपको आना पड़ेगा और आपको खुद इस जो घटिया दलदल है इसमें एक बार कूद के और अपने आप को साबित करना पड़ेगा और इस दलदल को हटाना पड़ेगा, खुद को कमान संभालनी पड़ेगी। बिल्कुल, नहीं तो अपन ये चाहते हैं कि घर बैठे, आप देखिए राजनीति का स्तर देखिए, युवा कौन सा राजनीति में आएगा राजस्थान में या कहीं भी, आप देख लीजिए अपने गली में जो सबसे बदमाश टाइप लड़का होगा ना वो पोस्टर बैनर लगाएगा, नेता के पीछे पीछे डोलेगा, ठीक है। पढ़ा लिखा युवा है वो तो ये कहेगा नहीं नहीं राजनीति में नहीं पढ़ना, भैया अपन को नहीं पढ़ना, राजनीति से दूर ही रहना है। चाहे जो जितने भी प्रोफेशनल और पढ़े लिखे युवा है वो सब ये कहते नहीं नहीं हमें तो राजनीति में नहीं पढ़ना, ये सोच बदलनी पड़ेगी। आप ये बताइए जब गली का बदमाश गुंडा टाइप लड़का है जिसको केस मुकदमे लगते हैं उनको वो नेता छुड़वा लेते हैं थानों से और ये वो उनका सपोर्ट कर रहे हैं, वही पोस्टर बैनर लगा रहे हैं और वही आगे चल के पार्षद बनते हैं, फिर विधायक बन जाते हैं, फिर चेयरमैन कुछ भी बनते रहते हैं, मंत्री बन जाते हैं, तो वो ऐसे लोग जब जीत के आएंगे तो वो वैसे ही काम करेंगे, वैसे ही उन अधिकारियों से काम करवाएंगे, वैसे ही उन कर्मचारियों से काम करवाएंगे और वैसे ही वो आगे चल के हो सकता है बड़े लेवल पे मुख्यमंत्री भी बन जाए वो गली का गुंडा। तो इस तरह के लोग जब जीत जीत के आएंगे तो कैसे देश बदलेगा बताओ। जब प्रोफेशनल युवा है जो पढ़ा लिखा युवा है जो समझदार है जिसको पता है कि देश कैसे बदल सकता है, उस युवा को खुद को राजनीति में इंटरफेयर करना पड़ेगा और ज्यादा से ज्यादा उस युवा को जोड़ के एक संगठित होकर मजबूत टीम बनानी पड़ेगी। राजनीति में इंटरफेयर का तात्पर्य क्या, आपने 2-4 बार इस बात को कहा, किस तरीके से क्या कहना चाह रहे हैं? जी राजनीति में इंटरफेयर से मतलब कि खुद चुनाव लड़ने पड़ेंगे आके, एक टीम मजबूत संगठन तैयार करना पड़ेगा पूरे राजस्थान लेवल पे, पूरे भारतीय स्तर पे, कि भी जो पढ़े लिखे प्रोफेशनल युवाओं का हो जो रियल में देश का भला कर सकते हो और इस जो दलदल को पूरे को साफ कर सकते हो, ऐसे युवा जो अच्छी सोच के हों, जिनमें थोड़ी बहुत ईमानदारी हो, जो थोड़ा अच्छे से एक्टिव भी हो, चाहे सोशल मीडिया पे ले लो, चाहे धरातल पे ले लो, चाहे न्यायिक लड़ाई के रूप में ले लो, सभी लड़ाई इसमें लड़नी पड़ेगी सब तरीके से अपने अधिकार के प्रति। जी बिल्कुल, अपने अधिकार के प्रति। अब नेता लिखवा तो लेते हैं कि भाई 13 साल की सेवा, 15 साल की सेवा, आपका सेवक, अरे सेवक किसको कहते हैं पता है? मेडिकल फील्ड में आना कभी आपको हम बताएंगे कि सेवा किसको कहते हैं, जब वो जो नर्स, वो जो फार्मासिस्ट, वो पैरामेडिकल स्टाफ, वो डॉक्टर जो काम करते हैं, जो वो उन पे बेड पे जो जब लोग बेचारे मरीज अपनी अंतिम सांसें ले रहे होते हैं, ऐसे समय में जो लोग साथ देते हैं और वो उनकी सेवा करते हैं उसको कहते हैं सेवा। और जो माँ बाप की अपन सेवा करते हैं जिस तरह से, उनको कहते हैं सेवा। सेवा वर्ड का जो इन्होंने एक जो पर्याय बना के रख दिया ना, उसको इतना बदनाम कर दिया है कि सेवा सिर्फ इन्होंने बिजनेस बना के रख दिया कि भाई अपने देश में जो राजनीति है वो केवल बिजनेस बना के रख दिया उसको, जो पूरा सिस्टम है राजनीतिक सिस्टम उसको बिजनेस से जोड़ रखा है, कहने का मतलब है कि देखिए भरत जी, हम जानना चाहेंगे कि पिछली कांग्रेस सरकार की बात करें, कांग्रेस सरकार में पेपर लीक हुए थे, भजनलाल सरकार
फिलहाल उस चीज की जांच करवा रही है, तो क्या आपको क्या लगता है, जांच से संतुष्ट हैं? जी अभी तक जो हुआ है उससे तो ठीक ठाक संतुष्ट हैं, लेकिन अब तक जो है बड़े आका जो है अंदर नहीं गए हैं, जब तक वो लोगों पे कार्रवाई नहीं होगी तब तक हम पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है। हालांकि गिरफ्तारियां खूब हो रही है, लेकिन अब जो है एमपी का इलेक्शन हो गया, अब पता चलेगा कि सच में भजनलाल सरकार पेपर लीक के खिलाफ कितने बड़े एक्शन लेना चाहती है, कितना उनके प्रति सीरियस है कि भाई रियल में, क्योंकि चुनाव थे, चुनाव में हो सकता है प्रोपेगेंडा बनाने के लिए या अच्छे से मुद्दा बनाने के लिए हो सकता है उन लोगों ने धरपकड़ की हो बहुत सारे लोगों के, लेकिन जो पेपर लीक माफिया है उनके मेन मगरमच्छ हैं बड़े बड़े जो लोग हैं, यहाँ तक कि लोकेश शर्मा जी ने तो ये कहा कि सरकार का खुद का हाथ था, मुख्यमंत्री जी का खुद का हाथ था उसमें पेपर लीक में, पेपर लीक जैसे बड़े मुद्दे पर, बिल्कुल। तो ऐसे में जो है लोकेश शर्मा जी को भी आप करो ना एक बार डिटेन और उनसे भी पता करो सारी चीजें ढंग से खींच के। तो ये सब इतनी चीजें नाम आने के बावजूद भी कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं की जा रही है? जी अब देखते हैं अब आगे क्या करते हैं लोग, अभी चुनावी समय था, हो सकता है इन्होंने राजनीतिक मुद्दा नहीं बने इसलिए कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की हो, अब हो सकता है बड़े राजनेताओं पे ये लोग कार्रवाई करें और नहीं होती है तो हम लोग तो आंदोलन करेंगे, और ये जो लोग हैं इनके खिलाफ हमने पहले भी सबूत इकट्ठे किए हैं, अब जब लोकेश शर्मा जी ने कह दिया तो हो सकता है आने वाले वक्त में हम भी इन लोगों को पुलिस नहीं करेगी तो हम लोग इनके खिलाफ कोई बड़े स्तर पर कार्रवाई करेंगे और न्यायालय में भी जाएंगे। उन्होंने जो स्टेटमेंट दिए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसके बेस पे तो हम न्यायालय में भी जा सकते हैं और अशोक गहलोत जी के खिलाफ भी कार्रवाई कर सकते हैं। कम से जब तक आप इनको पकड़ के एक दो का इलाज बड़े राजनेताओं का नहीं करेंगे तब तक आप कितनी कोशिश कर लीजिए, कितना ही सख्त कानून बना दीजिए, इनको छुड़वाने वाले भी बहुत हैं। अब इतना बड़ा लाभ है, करोड़ों रुपए का लाभ है, अरबों करोड़ों रुपए के पेपर लीक हो गए, इतना भयंकर कमाई लोगों ने करी है, तो इतना बड़ा जब उनके पास फाइनेंशियली मजबूती आ गई तो वो लोग कहाँ रुकने वाले हैं? ऐसे लोगों को आप रोक नहीं, अब वो आराम से विदेश घूम रहे हैं फ्री, एक तरीके से उनके लिए तो यूं मान लो कि भाई पिकनिक टूर हो गए, ये घूम रहे हैं बढ़िया ढंग से, पैसे हैं ही उनके पास, और बच्चों को युवाओं को ठग लिया, बेवकूफ बना लिया, लूट लिया, भविष्य दांव पे लगा दिया। अब युवाओं की सोच ही ऐसी कर दी इन्होंने, पेपर लीक कर करके ये सोच कर दी थी लास्ट में तो कि युवाओं के ये हो गया कि पढ़ाई तो छोड़ो और जो है पैसे इकट्ठे करो कि व्यवस्था करके और कैसे भी अपन भी नौकरी लग जाए, ये हालात लोगों के हो चुके थे। तो मतलब इतनी ज्यादा मानसिकता युवाओं की हो गई चेंज, और फिर पढ़ने लिखने युवा वाले युवाओं के भी हो गया कि होना तो कुछ है नहीं, पेपर लीक हो जाएगा, अपना तो कुछ होना नहीं है, तो मनोबल उनका इतना गिर गया कहने का मतलब। बिल्कुल, आप देखिए चिकित्सा डिपार्टमेंट की बात करते हैं, इतने फर्जी लोग हैं कि भी आपने मतलब मेरिट बेस पे सारी भर्तियां करवा दी, मेरिट बेस पे सारी भर्तियां होती है चिकित्सा विभाग में, अभी 8 से 9 भर्तियां हो रही है बाहर से, और अनुभव प्रमाण पत्र को बोनस अंक दिया जाता है, 1 साल का 10, 2 साल का 20 और 3 साल का 30 बोनस अंक दिया जाता है, प्लस जो डिग्री में आपकी जैसे आपने मान लो नर्सिंग की भर्ती है और उसमें बीएससी नर्सिंग या जीएनएम में जो आपके जैसे परसेंटेज है टोटल मिला के, उस परसेंटेज के आधार पे आपको नौकरी दी जाएगी, और 12th की जो परसेंटेज है उसके बेस पे। तो बाहर से ओपन बोर्ड की मार्कशीटें बनवा लाते हैं 90% से ऊपर की, 90% से ऊपर की, और फर्जी डिग्रियां बनवा लाते हैं 90% से ऊपर की बाहर से, और फिर ऐसे ही पैरामेडिकल की मैंने भर्ती में जो मुकदमा दर्ज करवाया था वो पकड़े गए थे 419 फर्जी अभ्यर्थी जो डिग्रियां पकड़ाई गई, ऐसे ही पीटीआई भर्ती में फर्जी डिग्रियां भी पकड़ी गई हैं, 2200 के करीब फर्जी डिग्रियां पकड़ी गई हैं, इतनी सी भर्तियों में आधे से ज्यादा तो फर्जी निकल गए। अब आप सोचिए ये तो हमने पकड़वा दिए, नहीं तो पहले वाली भर्ती में तो कोई पकड़वा भी नहीं पाए थे, इतने बड़े स्तर पर फर्जीवाड़ा खुलेआम हो रहा है, क्यों हो रहा है? अंदर के अधिकारी ही सारे मिले हुए हैं, क्यों? बिल्कुल, सब मिले हुए हैं, बहुत सारे लोग मिले हुए हैं, 10% लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि ऐसा हो, लेकिन ज्यादातर पूरा सिस्टम ही पूरा मिला हुआ है, तो इस वजह से मिला हुआ था, अब आगे इस सरकार में क्या रहता है ये तो खैर वो अभी देखने वाली बात होगी, कहने का मतलब है। भरत जी, बोर्ड ने भजनलाल सरकार को परिणाम घोषित करने के लिए पत्र लिखा था, किस तरह देखते हैं आप इस बात को, ये क्योंकि ये वही बोर्ड है जहाँ कई भर्तियों पर सवालिया निशान भी लग चुके हैं। जी देखिए, बोर्ड में अगर देखा जाए तो भर्तियों के जो परिणाम थे बहुत स्पीडली जारी हुए थे, और जो भर्तियां हैं वास्तव में इसने अधीनस्थ बोर्ड ने जितना फास्ट निपटाई, हरिप्रसाद शर्मा जी थे चेयरमैन उस वक्त, काफी फास्ट जो है ज्यादातर भर्तियां हुई, और सबसे ज्यादा शायद इतिहास रचा होगा इन्होंने, इतनी भर्तियां शायद ही किसी बोर्ड ने आज तक करवाई हो इतने कम समय में। हालांकि लेकिन जैसे अब जो इन्होंने भेजा, जो पत्र भेजा परमिशन के लिए, तो परमिशन के लिए जो पत्र भेजा वो भी एक थैंक्स के पात्र है, ऐसी बात नहीं, बोर्ड भी, क्योंकि बोर्ड को पता था कि भी अभी चुनाव के दौरान परमिशन नहीं मिलनी, उसके बावजूद इन्होंने पत्र भेजा कि भाई हाँ ठीक है
जल्दी से जल्दी परिणाम जारी हो, यानी बोर्ड की मानसिकता उसमें दिख रही है कि वो भी चाहते हैं कि जल्दी परिणाम जारी हो, ऐसी बात नहीं है। अब जबरदस्ती हमें मुद्दा बनाना हो तो हम चाहे कल ही भर्तियों के परिणाम को लेकर चढ़ाई कर दें, पर हम इस तरह का जो है बेमजे की क्रेडिट लेना, डेमोबाजी करना, ये सब हमारे उसमें उसूलों में नहीं आता है। अब अरे जी बात करें पेपर लीक छात्रों का एक ऐसा दंश जिसमें कई होनहार जो बच्चे हैं, जो लोग हैं वो हताश हुए हैं, अब उनमें मनोबल को लेकर कोई जागरूकता कैंप भी लेकर आ रहे हैं क्या? जी बिल्कुल, जागरूकता कैंप भी लेकर आ रहे हैं और इनसे हमने नंबर भी जारी करवाए थे, बोर्ड जो है सभी इनसे नंबर, आईडीज, मेल आईडी की, आपको कहीं भी लगे कि ये फलाना जो है गड़बड़ी कर रहा है, ये कोई भी व्यक्ति गड़बड़ी कर रहा है तो उसकी आप शिकायत दे सकते हैं। साथ में जो है जिस भी तरीके की आपको नेगेटिव चीज लगे, आप डायरेक्ट सीएम पोर्टल से लेके सब जगह पे आप अपने उससे जो है एसओजी से लेके सब पे आप शिकायत कर सकते हैं। दूसरी जो है ये जागरूकता हम ला रहे हैं कि क्योंकि शिकायतें नहीं करते युवा, युवा यूं सोचता है कि यार मैं शिकायत कर दूंगा वो मेरा परिचित है वो फंस जाएगा, और वो फंसेगा तो ये दिक्कत हो जाएगी, वो हो जाएगी, मेरा भी नाम आ जाएगा, ये डर जाते तो हैं। जब तक इनका ये डर नहीं खुलेगा तब तक नहीं, सबको ये लगना चाहिए कि यार कोई भी मेरी शिकायत कर देगा कल को। तो अब धीरे धीरे जागरूक होने लगे हैं युवा, इसके लिए हमने जागरूकता अभियान भी चलाया था और वापस से अब ये जागरूकता अभियान चलाने जा रहे हैं। और इसके लिए सबसे मेन जो है, मैं एक जो है राय भी आपके न्यूज चैनल के माध्यम से देना चाहूंगा कि जो भर्तियों को एग्जाम पैटर्न है उसमें काफी कुछ बदलाव करने चाहिए। पेपर लीक होना ही नहीं चाहिए, पेपर लीक होगा कहां से? आप ऑनलाइन एग्जाम करवाइए, ऑनलाइन एग्जाम में एक मिनट पहले सबके पास एक साथ में पेपर आएगा और वो एक ही जगह से आएगा फटाक से, और उसमें उनके पास इस तरह का सॉफ्टवेयर डेवलप हो कि जैसे 1,00,000 क्वेश्चंस हैं, उन 1,00,000 क्वेश्चंस में से कोई भी 100 अपने आप सेलेक्ट होके आएंगे और वो एक मिनट पहले सीधे ही आएंगे फटाक से। बिल्कुल, और तुरंत। तो अब 1,00,000 क्वेश्चन पढ़ने वाला आदमी यानी पूरी किताबें रट ली उसने, ऐसा तो है ही, तो वो जो 100 क्वेश्चंस है वो सीधे उनके पास पहुंचे और एक मिनट पहले सबके पास साथ में पहुंचे। फिर जो है हर चीज कैमरे की निगरानी में हुए हो, और जो कंप्यूटर हैकिंग वाला सिस्टम है जी, जी। इसको भी रोकना बहुत इजी है अगर तरीके से ये जैमर्स लगा के और सब तरीके से अगर काम करेंगे, और जो इन्विलेटर्स हैं जैसे एक रूम में फिक्स हर 3 कंप्यूटर्स पे एक इन्विलेटर लगाना और उस इन्विलेटर की भी पे भी नजर रखना कि भाई वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, और जो उनके लिए अलग से एक SIT टीम और गठित करके और उन पे हर चीज पे निगरानी करके। कोई बड़े मुश्किल काम नहीं है, बड़े बड़े एग्जाम्स SSC के हो रहे हैं, वो कभी पे UPSC का है वो पेपर आउट नहीं होते, आप उनके तर्ज पे काम कीजिए ना, आप उन्हीं के अकॉर्डिंग काम कीजिए या उन्हीं एजेंसीज को दे दीजिए, उन्हीं एजेंसीज को दे दीजिए। बिल्कुल सही कहा आपने। और भर्ती सेल के लिए स्पेशल रिक्रूटमेंट ही अलग कीजिए कि यही लोग भर्तियां करवाएंगे, और वो इतना जबरदस्त तरीके से होना चाहिए उनका जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है, वो इतना वैलिड तरीके से कि 5-7 चीजों से उनको बार टेस्ट होके उनको गुजरना पड़े और बहुत सॉलिड तरीके से उनको लिया जाए सेलेक्ट करके। वाकई में बहुत सही आपका सजेशन है जी, आप जारी रखें। जी बिल्कुल, और जो बोर्डों के चेयरमैन हैं उनको सबको मैंने आपको बताया कि भाई सेलेक्ट होके आने चाहिए, और वो भी अलग प्रोसेस से, नहीं कि ऐसे नहीं कि भाई अधीनस्थ ठीक है रिटायर्ड IAS हो गया IPS हो गया तो सरकार ने अपनी मर्जी से लगा दिया। वो जो है चेयरमैन है उसको जो है सरकार ऐसे को अपॉइंटमेंट करे जिसकी 10 से 15 साल की IPS की जैसे नौकरी बची हुई है, अनुभव भी हो अच्छा, और 10-15 साल की अभी बची हुई हो तो नौकरी, उस रिटायर्ड को मत लगाइए आप, 10-1 साल की बची हुई हो उसको डर रहे कि मेरी नौकरी जा सकती है कल को कोई भी गड़बड़ हुई तो जो व्यक्ति को खुद की नौकरी जाने का डर रहेगा वही व्यक्ति उसको ढंग से संभाल पाएगा कमान को। और दिनेश हेमंत जी जैसे इतने बढ़िया IPS ऑफिसर हैं आपके पास, मजबूत बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, ऐसे ईमानदार अफसरों को आप लगाइए ना SSL में, जो सबसे ज्यादा अब मेडिकल विभाग की, मैंने आपको भी बताया कि जितनी भर्तियां मेरिट आधार पर भर्तियां होती हैं और ऐसे फर्जी डिग्रियां ला के लग जाते हैं, आप एक बात सोचिए वहां पे उनको एग्जाम करानी चाहिए जो मेरिट पे करा रखी है उन्होंने भर्तियां, एग्जाम के थ्रू आप लीजिए अच्छे से क्रीम बच्चों को सेलेक्ट कीजिए। अब आप बताइए उन बच्चों को आपने लगा जो लग गए वो लोग मेरिट फर्जीवाड़े से, उन्होंने डिग्रियां लेके आ गए मेरिट में लग गए, अब वो जैसे ही उनका नियुक्ति होगी आप बताइए किसी की जिंदगी के साथ वो खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे, कोई खेलेंगे उनके पास कैसे लोग आएंगे, वो पेशेंट्स आएंगे जो अपनी जिंदगी की आखिरी सांस ले रहा होगा, कोई कैसा, अब उनको नॉलेज ही नहीं है उसके बारे में, तो वो सीधा सीधा कोई गलत इंजेक्शन रोज आते हैं, प्रसूता की गलत इंजेक्शन, गलत ट्रीटमेंट से मौत हो गई। जयपुर की बात करें कितने सारे केसेस सामने आए आपको पता ही होगा जी। बिल्कुल मैम, इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने भर्तियां या तो कोई ठेके पे ले रखे हैं या आपने मेरिट बेस पे भर्तियां करवा करवा के जो स्टाफ की भर्ती कर रखी है,
या आपने इसी तरह से गलत तरीके से जो है अपॉइंट कर रखे हैं लोगों को, तो ऐसे लोगों को आप जब नियुक्ति देंगे तो फिर बाद में होता है कि भी उसकी लापरवाही से ये हो गया, इसकी लापरवाही से लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। जब उसकी, जैसे कि हमने बात की, आपने देखा होगा भरत जी, आप तो एक्टिव रहते ही हैं, कि अभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात करें, प्राइवेट हॉस्पिटल की बात नहीं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल की बात करें, अभी नीमका थाना से और जयपुर से खबर थी जहां पे गलत खून चढ़ा देने के वजह से जो दो गर्भवती महिलाएं हैं, दो बच्चे हैं, दो बुजुर्ग हैं, उनकी मौत हो गई है, प्लाज्मा चोरी होने का खबर देख ही रहे होंगे कि कितना तूल पकड़ा है। तो ये सब कहीं ना कहीं सरकार की चीजें नजर में रहती है या नजरअंदाज करते हैं सरकार, ये तो एक बहुत बड़ा इस पे सवालिया निशान खड़ा होता है। जी बिल्कुल मैम, इसमें भी सीधी सी बात यह है कि अब जैसे गलत खून चढ़ा दिया और जो ब्लड देने वाले हैं उनके भी जो है ब्लड इन्फेक्शन वाला ब्लड रखते हैं कई, वैसे क्यों, क्योंकि आप देखिए हर किसी को तो इन्होंने ब्लड बैंक की परमिशन दे दी। आप देखिए किडनी वाला कांड हुआ है, कितना बड़ा कांड हुआ है, एनओसी दे दी फर्जी लोगों को, चाहे जैसो को बांट दिया आपने एनओसी, अब वो किडनियां किसी से ले रहे हैं कहीं, हर कहीं अवैध तरीके से तस्करी करके किसी को लगा रहे हैं, वैसे ही ब्लड का भी तस्करी का मामला चलता है, वैसे ही वो प्लाज्मा वाला अभी चल ही रहा था इशू, कभी प्लाज्मा चोरी हो रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, सब जो विभाग सबसे ज्यादा संवेदनशील विभाग है, मतलब जिस विभाग में एक छोटी सी लापरवाही किसी की जान ले सकती है, उस विभाग में आप इतनी बड़ी लापरवाहियां कैसे बरत सकते हैं। सबसे ज्यादा गैर जिम्मेदारी निभाई जा रही है, कहने का मतलब। जी बिल्कुल, आप फर्जी नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता दे रहे हैं, आपने 400-400, 500-500 नर्सिंग कॉलेजेस दो दो कमरों में खोल दिया, जिसमें ना सिखाने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट्स है, ना कोई इक्विपमेंट्स है, ना कोई लैब्स है, ना कोई आप पढ़ा पा रहे हो उनको, सीधा एग्जाम देने जाते हैं बच्चे, इंटर मार्क्स आप 20 में से 20 भेज देते हो प्राइवेट कॉलेजों में ताकि आगे से पास हो जाए, फिर भी वो पास नहीं होते, रगड़ाई कर करा के कैसे जैसे करके पास होते हैं, तो वो मुश्किल से ऐसे कर करा गया 7-8 साल में, 5-7 साल में ऐसे युवा डिग्रियां ले लेते हैं, और फिर वो डिग्रियां उनको मिल जाती है कैसे जैसे करके, उल्टा सीधा करके, गड़बड़े करके और ले लेते हैं, और फिर वो लोगों को इलाज थोड़ा ना करेंगे, वो मारेंगे ऐसे लोगों को। बिल्कुल तो सही, बहुत सारे ऐसे युवा हैं जिनकी तैयारी नहीं है, प्रैक्टिकल उनको करवाया नहीं, हॉस्पिटल उन कॉलेजेस के पास है नहीं, जो क्राइटेरिया फुलफिल कोई करता नहीं है कि भी पेरेंटल हॉस्पिटल होना चाहिए, 100 बेड का हॉस्पिटल होना चाहिए, एक नर्सिंग कॉलेज खोलने के लिए, समय-समय पे जांच होती रहनी चाहिए। जी बिल्कुल, तो पूरा बेड़ा गर्क कर रखा है, पूरा चिकित्सा विभाग ही नहीं, यही हालात शिक्षा विभाग के हैं, यही हालात दूसरे विभागों के हैं, सभी में यही स्थिति है। सरकारी कर्मचारी हैं तो वो 50% से ऊपर पेपर लीक से फर्जी तरीके से लग गए, अब वो काम तो करेंगे नहीं, फ्री की नौकरी मिली हुई है उनको, बढ़िया एक दिन 7 दिन में हाजिरी लगाने, अटेंडेंस लगाने जाएंगे और कोई तरीके से काम नहीं होगा। फिर कहते हैं कि भाई स्कूलें निजीकरण में दे दी, वो इसको निजीकरण में दे दिया, उसको निजीकरण में दे दिया, फिर वो मुद्दे उठते फिरेंगे। तो देश हमारा जो है इसमें से कचरा जो सिस्टम है, इस पूरे सिस्टम को साफ करने के लिए, इस कचरे को साफ करने के लिए जो है, मैंने आपको बताया कि जब तक खुद युवा प्रोफेशनल और पढ़ा लिखा युवा इंटरफेयर नहीं करेगा, बिल्कुल, तब तक क्योंकि कोई बदलाव आना मुश्किल, बिल्कुल है। नहीं तो ये पेपर लीक, फर्जीवाड़े वाले, भू माफिया, यही लोग सरकारें चलाएंगे और इसी तरह से फर्जीवाड़े करते चलते रहेंगे। तो भरत जी, हम जानना चाहेंगे कि देखिए चुनाव आयोग के फैसले से छात्रों में तो खुशी का माहौल खैर देखा ही जा रहा है, तो भजनलाल सरकार के नजरिए को कैसे देखते हैं आप? साफ तौर पर अगर हम कहें तो सरकार की मंशा क्या लगती है आपको, क्या कहना चाहेंगे आप, क्या मंशा है? जी अभी तक तो देखिए जो काम किया है उसमें थोड़ा ठीक ठाक है अभी सिस्टम, अब आगे मैं बता रहा था ना आपको कि आगे भविष्य में देखने लायक होगा कि वो क्या काम करते हैं क्या नहीं करते हैं। अभी तो चुनावी मोड में हैं सरकारें सभी, तो वो उस हिसाब से ही काम कर रही है, उसी हिसाब से ही सब प्रक्रियाएं आगे बढ़ा रही हैं, जो फाइलें हैं वो भी उसी तरीके से मूवमेंट करेंगी, और अब जहाँ तक है जो मनसा का ये है कि उसके पश्चात होगा कि भी अभी 4 तारीख के पश्चात जो है आईएसओ के और कई तबादले होने हैं, मंत्रिमंडल विस्तार होंगे, कई चीजें होंगी, किन किन लोगों को डिपार्टमेंट सौंपे जाते हैं, किस किस तरीके से दिए जाते हैं, उन डिपार्टमेंटों पे किस तरह से ये लोग रिसर्च करके और जो कमियां निकाल के और जो इम्प्लीमेंटेशन क्या क्या करने हैं वो सारे जो करेंगे उस पे सारा फोकस रहेगा। तो देखते हैं अब सरकार कितना क्या करती है, अभी तक तो कुछ लोग भाई चर्चा इस तरह की है कि भाई अभी कई लोग तो ये भी कहते हैं कि मुख्यमंत्री भी अब आगे हो सकता है चेंज हो जाए, अगर सीटें कम आ जाए, तो इस तरह की भी चर्चाएं सामने आ रही हैं। तो मेरे को लगता है कि राजस्थान की पूरे की जो स्थिति है वो 1-2 महीने बाद पूरी तरह से स्पष्ट हो पाएगी, और मंशा भी उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगी कि क्या होगा क्या नहीं होगा, किस तरह से सरकार काम करेगी, उसका जो काम करने का तौर तरीका है, अभी नए सीएम हैं उनको भी सीखने का काफी जरूरत भी है, समय भी लगेगा, तो अब देखते हैं वो किस तरह से क्या करते हैं।
बाकी जो है परिपक्व जो सीएम थे कई लोग थे पहले, जैसे वसुंधरा जी थे, अशोक गहलोत जी थे, ये लोग थे, लेकिन इन्होंने भी कोई विशेष अनुभव है राजस्थान की जनता को समझ चुके हैं वो इतने समय में, वो जनता को भी समझ गए लेकिन मैम कुछ ज्यादा बदलाव नहीं कर पाए। और वैसे उनको क्या है ये भी, अब गहलोत साहब को भी अच्छा एक्सपीरियंस हो गया कि कैसे राजस्थान में अब देखिए सरकार बचाने के चक्कर में उन्होंने क्या क्या नहीं किया और इतने नेगेटिव उन पे आरोप लगे। और ऐसे ही वसुंधरा जी का भी वैसे कार्यकाल इसी तरह का पिछली बार रहा था कि काफी भ्रष्टाचार के आरोप उन पे लगे थे, तो हालात तो मतलब काफी इसी तरह के हैं। जब तक मुख्यमंत्री तो चलो नया होना ही चाहिए था, जनता काफी समय से वेट भी कर रही थी कि नया ही हो कोई। पर अशोक गहलोत जी ने काम अच्छा किया था। हाँ नहीं काम तो काफी योजनाएं थी, काफी जो ठीक थी योजनाएं काफी अच्छी थी, लेकिन उन योजनाओं को वो इम्प्लीमेंट तो कर रहे थे लेकिन उनमें भ्रष्टाचार बहुत बड़े स्तर पे हुआ। जैसे चिरंजीवी योजना का आप ले लीजिए, चिरंजीवी योजना में ये हालात थे कि जो हॉस्पिटल्स थे छोटे छोटे हॉस्पिटल भी जो थे 100-100 बेड के हॉस्पिटल थे, तो उन्होंने क्या क्या करते थे, जैसे किसी व्यक्ति को चिरंजीवी का कार्ड बना दिया, अब उस व्यक्ति का जैसे 5 लाख तक का मान लो इलाज फ्री है, तो उस व्यक्ति का जबरदस्ती का कोई ऑपरेशन दिखा के फर्जी तरीके से लोगों ने 2-2, 5-5 लाख रुपए उठा लिए, लोग कुछ लोगों को हिस्सा दे दिया कुछ हॉस्पिटल वालों ने, हमने शिकायतें भी दी थी काफी, और बहुत बड़े स्तर पे बल्क में यूं मान लीजिए बहुत जो हमारा जो आपका और हमारा जो टैक्स का पैसा है उसको इस तरह से फ्री में लुटाया गया है, आप सोच नहीं सकते हैं। मतलब कोरोना में जितनी बड़ी धांधलियां हुई चाहे रेमडेसिविर से लेके सब, लोकेश शर्मा जी ने खोला ही अभी चिट्ठा पूरा, बहुत बड़े स्तर पे जो है घपला हुआ था। और मतलब सबसे मेन चक्कर ये था कि अशोक गहलोत साहब ने काम करना कब शुरू किया, काम करना उन्होंने तब शुरू किया जब होटलों में सरकार चली गई और हम लोग युवा लोग ये कहने लग गए कि युवाओं के लिए कुछ कर ही नहीं रही सरकार, सरकार तो होटलों में पड़ी है। और कोविड के टाइम जब सबसे ज्यादा लोगों को जरूरत थी तो उन्होंने उस चीज को दबाने के लिए होटलों वाले मामले को और उनको दबाने के लिए युवाओं के लिए भर्तियां निकालना शुरू किया, उन्होंने सारे काम शुरू किए, तब जाकर ये सारा सिस्टम उनको समझ में आ गया कि यूथ का माइंड डाइवर्ट करके रखना है अपन को, ये सरकार वाला जो मेन जो मामला है इससे और भ्रष्टाचार से। तो इस तरीके से उन्होंने पूरा मोटिव तैयार करके और पूरी प्लानिंग से काम किया, पूरी प्लानिंग से काम किया। तो आपसे बस एक आखिरी सवाल हम जानना चाहेंगे कि इतनी लड़ाइयां लड़ते हैं आप छात्रों के हित में, लोगों के हित में, देश के हित में, तो इतनी हिम्मत कहाँ से लाते हैं? और सबसे बड़ी बात है जिनका जो छात्र हैं, जो लोग हैं इस वक्त आपको देख रहे हैं, उनको आप क्या News 21 के मंच के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी देखिए हिम्मत तो इन युवाओं से ही आती है, जो साथी लोग हैं मेरे, जो वास्तव में जुनून है हम लोगों में, हम जो देश बदलने का जुनून है हम लोगों में, शुरू से ही ये भावना रही है कि हम सच में बहुत कुछ करके दिखाएंगे। और जो ये भ्रष्टाचार गंदगी जो फैली हुई है चारों तरफ इसको मिटाएंगे। साथ में जो मैसेज है स्पेशली यही देना चाहूंगा युवाओं के लिए कि भाई आप पढ़े लिखे युवा हो, जो समझदार युवा हो, जो रियल में चाहते हो कि देश बदले, तो खुद को राजनीति में आपको आना पड़ेगा, अच्छे लोगों को इंटरफेयर करना पड़ेगा, हमें एक यूनाइट टीम बनानी पड़ेगी पूरे भारत स्तर पे और बहुत अच्छे से काम करना होगा तभी हम इस सिस्टम को बदल पाएंगे। नहीं तो इन्हीं पार्टियों के चक्कर में, सभी के चक्कर में हम लोग ऐसे ही आगे पीछे डोलते रह जाएंगे, ये लगेगा कि एक बार विधायक बन जाते फिर बदलेंगे। गलत तरीके से आप किसी के साथ जाके अगर करेंगे आगे बढ़ने का काम भी, तो भी वो पीछे धकेलने का ही काम है, फिर आप धीरे धीरे उसी में उलझ के रह जाएंगे, उसी दलदल में, और फिर वापस वही हालात हो जाएंगे। और इन लोगों के खिलाफ मोर्चा अगर खोलोगे और ज्यादा से ज्यादा पढ़ा लिखा युवा लोगों को समझाने का प्रयास करेगा सब तरीके से, तो देश में बदलाव जरूर आएगा, कहने का मतलब है आपका, जरूर बदलाव आएगा। जी बेनीवाल जी, आपका भरतनवाल जी बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा है, और हम चाहेंगे कि आप फिर से हमारे स्टूडियो जरूर पधारिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। आज के खास मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए, लंबे समय से चल रहे आर्य छात्रों के हितों में संघर्ष की हम आपको दाद देते हैं, आपने काफी मेहनत की है उसके लिए हम दाद देते हैं पूरी टीम की तरफ से, और उन तमाम छात्रों को भी हम बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहेंगे उनके उज्ज्वल भविष्य की, जिन्होंने लंबे समय से इंतजार भी किया है। तो बेनीवाल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी देखिए कर्मचारी चयन बोर्ड की भर्ती परीक्षाओं के परिणाम का इंतजार अब खत्म हो चुका है, चुनाव आयोग ने 7 भर्तियों में परिणाम सहित अन्य लंबित परिणामों को जारी करने की अनुमति दे दी है, और इसी खास मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ राष्ट्रीय रोजगार संगठन के अध्यक्ष भरत बेनीवाल जी आज हमारे साथ थे। तो इसी तरह के तमाम मुद्दे पर चर्चा जारी रहेगी, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ News 21 देखते रहे, नमस्कार, जय हिंद, जय